الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله العزيز आज हम लोग पांचवा सबक पढ़ेंगे الدرسل الخامس पांचवा सबक इस पांचवें सबक में इन शाह العزيز अरबी जबान का एक अहम कायदा एक बुनियादी कायदा इन शाह العزيز हम लोग सीखेंगे वो है पेज नंबर 26 पे सॉरी 28 पे है 28वें सफे पे है और इन शाह العزيز इसको हम आज पढ़ेंगे और सबक को प्रोसीड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस सबक के जो है अल्फाज और मानी हम लोग एक मरतबा देख लें तो ये आपकी स्क्रीन पर अरबिक वोकैबुलरी बैंक जो है वो जिसके अंदर अल्फाज और मानी दिए हुए हैं वो मौजूद है पांचवें सबक की वोकैबुलरी है और इसके अंदर जो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं उसके अंदर पहला लफ्ज है या यानि ओ आए उर्दू में जब हम किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या हुना का देर वहां पर हुना यहाँ हकीबतुन बैग एक हदीकतुन भी होता है तो हकीबतुन और हदीकतुन में बहुत फर्क है हकीबतुन इज बैग तहता अंडर बिनीथ नीचे बिंतुन डॉटर गर्ल देखिए अरबी में जो है बिंतुन दोनों माने के लिए गर्ल यानी लड़की डॉटर यानी बेटी ये दोनों मानों में है लेकिन कहाँ कब इस्तेमाल करेंगे जैसे आप कहें कि नाम के साथ आप जोड़ दें बिंतु मोहम्मदी मोहम्मद की बेटी बिंतु अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह की बेटी लेकिन एक कॉमन आप बोलना है गर्ल है तो वहां पर लड़की के माने में होता है ठीक है अम्मुन पेटर्नल अंकल तो ये अरबी में अम्मुन जो है वो ताया के लिए इस्तेमाल होता है चाचा के लिए इस्तेमाल होता है और फूफू के लिए फूफा के लिए सॉरी तीन लोगों के लिए ताया भी है चाचा भी है और फूफा भी है तो बाप से जो रिश्ता बनता है उसके लिए है और अम्मुन जो है हमारे पास आमतौर पे चाचा ही का हम लोग तर्जुमा करते हैं जबकि ये ताया के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इसलिए कि हजरत अबू तालिब जो है अल्लाह के रसूल के वो ताया है चाचा नहीं है हमारे पास चल पड़ा है कि लोग जो है अबू तालिब को चाचा हैं कहते तो इसका फर्क होता है और हजरत अबू तालिब हुजूर के ताया क्यों हैं इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला सारे भाइयों में सबसे छोटे थे सारे भाई बड़े थे तो हजरत अबू तालिब हुजूर के ताया हैं अब ये फर्क हमारे पास जो है आमतौर पर लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता क्या फर्क पड़ता है तो आप अपने वालिद साहब को बोल दीजिए कि आपके हमारे चाचा का फोन आया था और शाम में मालूम हो कि मेरे ताया जो है अब्बा को फोन करके बोले कि मैं फोन करा था आसिफ नहीं बोला क्या तो बोले आसिफ तो चाचा का फोन आया था बोले तो मेरे ताया मुझसे पूछे अरे क्या मियां तुमको चाचा और ताया का फर्क नहीं मालूम क्या तो हमारे पास समझ में आ रही है तो वहां पर भी है कि और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मल्लम युअख्खिर कबीराना वलम यरहम सगीराना फलैस मिन्ना जो हमारे बड़ों का जो है अदब एहतराम ना करे और हमारे छोटों पर शफकत ना करे तो वो हम में से नहीं तो उम्र के एतबार से बड़ा होना ये एक फख्र की बात है एक एहतराम की बात है छोटा होना जो है ये हमारे रहमत और शफकत की बात है तो बहरहाल अम्मुन जो है वो ताया चाचा और फूफा तीनों के लिए इस्तेमाल मुगलकुन क्लोज्ड खालुन मेटरनल अंकल अब ये खालुन जो है तीन के लिए तीनों के लिए जैसे आप बोले खालुन मामू है और ये खालुन जो है वो खालू के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये रिश्ते के अतबार से जैसे मैंने अभी बताया बड़े छोटे ये दोनों के लिए भी ये सारी चीज शारियन स्ट्रीट रोड तो ये पांचवें सबक का फर्स्ट टेबल हमने मुकम्मल किया फैसलुन नाम है फैसल मसऊदुन ये भी नेम है वजीरुन मिनिस्टर वजीर उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि वजीर आजम हम लोग बोलते हैं उस्ताजुन टीचर प्रोफेसर अभी जो मॉडर्न अरबिक है ना तो उसके अंदर प्रोफेसर के लिए यूज कर रहे हैं कि उस्ताद यानी प्रोफेसर सैयारतुन कार इब्नुन बेटा बलदुन जो हमने इससे पहले पढ़ा है वो होता है वो बॉय होता है ये इब्नुन जो है ये सन है अल्लाह अल्लाह इस्मुन नेम अल इराकु इराक जो कंट्री का नाम है मुनव्वरतुन इल्यूमिनेटेड जो इनलाइटेड जिसको मुनव्वर कर दिया गया जिसको रोशन कर दिया गया ठीक है
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पांचवें सबक की वोकैबुलरी हमने देखी है। और अदरसुल खामिस यानी पांचवें सबक का जो रूल जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रूल क्या है कि अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और हमने समझ लिया है कि कोई भी नॉन अरबी का जो विदाउट अलिफ लाम हो तो उसपे तनवीन यानी दो पेश आते हैं। जैसे हम देख रहे हैं किताबुन कलमुन बैतुन गुरफतुन और फिर मेल नेम है तो मुहम्मदुन हामिदुन। लेकिन ये दो लफ्जों को जब हम जोड़ेंगे यानी एसोसिएट करें असम्बल करें तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो फिर इसकी कैफियत क्या होती है किताबुन हो जाएगा किताबू। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि दो पेश कन्वर्ट हो जाएगा एक पेश में। तो ये पेश जो है ये एक पेश क्यों आ रहा है इसलिए आ रहा है कि हम यहाँ इसको एसोसिएट कर रहे हैं इसको जोड़ रहे हैं इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब कनेक्ट करेंगे तो ये दो पेश एक पेश हो जाए और मुहम्मदुन जो हमने देखा है एज ए वर्ड लेकिन जब जुमले में आएगा तो ये हो जाएगा मुहम्मदीन। तो दो लफ्जों को जब हम जोड़ें और जोड़ने का फायदा और तरीका क्या होगा कि फर्स्ट नाउन पर कभी तनवीन नहीं हो और सेकंड नाउन जो है वो ऑलवेज जेर के फॉर्म में होगा या एक जेर होगा या दो जेर होंगे लेकिन जेर होना मस्ट है। अब मान लीजिए कि जब हमने इन दोनों लफ्जों को जोड़ दिया है दोनों लफ्जों को जोड़कर हमने जुमला बनाया है तो जुमला जब हम बनाएंगे तो माने क्या हो किताबु मुहम्मदी मुहम्मद्स बुक। तो ये अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस लिखते हैं या आप लिख सकते हैं द बुक ऑफ मुहम्मद जैसे ऑफ के साथ आप कनेक्ट करते हैं और उर्दू में जब आप बोलेंगे तो ये हो जाएगी मुहम्मद की किताब और नीचे हो जाएगा हामिद का कलम। तो अरबी में उर्दू में जो हम का की के जो जोड़ते हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह का घर मस्जिद का दरवाजा उस्ताद का एहतराम तो ये का की जो हम जोड़ रहे हैं वो ये इसी इस फॉर्मेशन में आता है और इसको हम फर्स्ट वन को कहते हैं मुजाफ। क्या बोलते हैं मुजाफ और सेकंड वन को बोलते हैं मुजाफुन इलेही यानी वो नाउन जिसको जोड़ा गया मुजाफ माने जोड़ा गया मुजाफुन इलेही जिसके साथ जोड़ा गया। तो अब याद रखिए एक छोटा सा रूल वो रूल ये है कि मुजाफ हमेशा जो है वो तनवीन के बगैर होगा और अलिफ लाम के बगैर होगा और मुजाफ इलेही जो है वो हमेशा दो जेर के साथ होगा और जिसका तर्जमा हम पहले करते हैं कि मोहम्मद की किताब हामिद का पेन जो नीचे वाले सेंटेंसेस में आप देखिएगा कलमु हामिदिन हामिद का पेन बैतु अब्बासिन अब्बास का घर गुरफतु अलीन अली का कमरा अलीज रूम अब्बास हाउस हामिद पेन दफ्तरु सईदिन सईद रजिस्टर मिंदीलु यासिरिन यासिर हैंड करचीफ खमीसु अम्मारिन अम्मार शर्ट। तो यहाँ पर हमने मुदाफ इलेही पे जो है दो जेर लगा रहे सरीरु खालिदिन खालिद बेड खालिद का पलंग। और ये दूसरे नाउन पे जैसे यहाँ अब हम देख रहे हैं कि दूसरे सेकंड नाउन जो है वो अलिफ लाम के साथ है ऑलरेडी और मुदाफ इलेही पे अलिफ लाम आ सकता है तो ऐसी सूरत में दो जेर नहीं आएंगे जो अभी हमने पढ़ लिया कि अलिफ लाम की वजह से तनवीन नहीं आती है तो हो जाएगा मकतबुल मुदर्रिसी द टीचर्स टेबल टीचर का टेबल मिफ्ताहुल बैती घर की कुंजी हाउस की दुकान ताजिरी मर्चेंट्स हाउस मर्चेंट शॉप बैतुल मुहंदिसी इंजीनियर्स हाउस इस्मुल वलदी द बॉयज नेम किताबुल्लाही अल्लाज बुक बिंतु तबीबी द डॉक्टर्स डॉटर मिफ्ताहुस सैयारती कार्स की कार की कुंजी डॉक्टर की बेटी अल्लाह का अल्लाह की किताब। तो ये इस पांचवें सबक में जो मेन रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मुजाफ और मुजाफ इलेही मुजाफ यानी फर्स्ट नाउन और मुजाफुन इलेही जो सेकंड नाउन और जिसकी शनाख्त क्या है
जिसकी शनाख्त के लिए हमने कहा है कि सेकेंड नाउन ऑलवेज जो है वो दो जेर या एक जेर के साथ हो, ठीक है। और आगे के सबक में हम देख रहे हैं कि ये कन्वर्जेशन है यानी गुफ्तगु है। सईदुन, सईद कह रहा है अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु अकिताबु मुहम्मदिन। अब यहाँ देखिए किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, मोहम्मद सुबुक, तो यहाँ हमने इसको जोड़ दिया है मोहम्मद के साथ, तो मोहम्मद दिन क्यों है, इसलिए कि ये मुदाफ इलेही बन रहा है, हमको बोलना है कि मोहम्मद की, तो ऐसे वक्त में हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट नाउन को अटैच कर देते हैं, ओके। और ये जुमले का तर्जुमा करते हुए जरा गौर से तर्जुमा करिए, अ किताबु मुहम्मदिन हादा या यासिर, ओ यासिर, ओ यासिर, इज दिस मुहम्मद सुबुक, यासिरुन, यासिर जवाब दे रहा है ला नो, हादा किताबु हामिदिन, नो दिस इज हामिद सुबुक, अना किताबु मुहम्मदिन, वेर इज द मोहम्मद सुबुक, मोहम्मद की किताब कहाँ है। और ये सारे जुमलों में आप वही मुदाफ मुदाफिले यानी जोड़ का हम फायदा पढ़ रहे हैं। हुआ अला मक्त अलल मक्तबी हुना का, इट इज ऑन द टेबल देर, इट इज देर ऑन द टेबल, वो वहां टेबल पर है। और हुना का ऑलवेज हुना का होता है, ठीक है, कि कुछ लफ्ज हैं जैसे आपने पढ़ा है अंता, अंता ऑलवेज अंता होता है, तो इसी तरीके से कैफा है, कैफा ऑलवेज कैफा होता है, तो हुना का भी ऑलवेज हुना का होगा, उसको वो चेंजेबल नहीं है। सईद पूछ रहा आईना दफ्तर अम्मार, वेर इज द अम्मार रजिस्टर, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है, तो अरबी में दफ्तर यानी रजिस्टर होता है, ये दफ्तर उर्दू वाला दफ्तर नहीं है। हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, इट इज ऑन द टीचर्स टेबल, वो टीचर के टेबल पर है। खलमु मन हाजा, हूज पेन इज दिस, अब यहाँ हमको बोलना था मन माने कौन है, हु पेन, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, तो हमने इसको जोड़ दिया, जो जो क्वेश्चन का मकाम था उसको बाद में कर दिया, क्यों कर दिया, इसलिए कि हमको पूछना किसका कलम, कलमु मन हाजा हूज पेन इज दिस, ये कलम किसका है, हाजा कलम उल मुदर्रिसी, दिस इज टीचर्स पेन, ये टीचर का पेन है। आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, वेर इज द टीचर्स बैग, हियर तहत अल मक्तबी, इट इज बिलो द टेबल, जैसे ऊपर आपने पढ़ा है होना का हमेशा जबर के साथ, इसी तरह तहता भी, वो भी ऑलवेज जबर के साथ तहता होता है, ठीक है। और इस पूरे सबक में यानी पूरे इस जुमलों के अंदर हमने देखा है कि एक नाउन को हमने जोड़ा है जिसको पहले नाउन को हम कहते हैं मुदाफ और दूसरे नाउन को कहते हैं मुदाफ इलेही, और मुदाफ इलेही की पहचान क्या है, जिसके ऊपर जेर हमेशा आए, ठीक है। तमारीनु एक्सरसाइजेस, अजीब अनिल असइलतिल आतिया, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। अइना किताबु मुहम्मदिन, वेर इज द मुहम्मद सुबुक, तो हम जवाब देंगे हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द टेबल। अइना किताबु अम्मारिन, वेर इज द अम्मार सुबुक, हुआ फिल हकीबती, इट इज इन द बैग। अइना हकीबतुल मुदर्रिसी, वेर इज टीचर्स बैग, हिया, चूंकि हकीबतुन फीमेल है तो हम कहेंगे हिया, हिया तहत अल मक्तबी, इट इज बिलो द टेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात हो गए, और ये एक्सरसाइज नंबर 2 को हमने पहले ही हल कर लिया है और समझ लिया है कि अलबत्ता हेडिंग रह गई है, तो इसको आप देखिए अजीफिल कलिमतल उला इला सानियती, अजीफ माने अटैच करिए फर्स्ट नाउन को, फर्स्ट वर्ड को सेकंड नाउन के साथ, तो इसको इजाफत करना कहते हैं यानी अटैच करना, एसोसिएट करना, तो इजाफत करिए, जोड़िए पहले लफ्ज को दूसरे के साथ, जब हम जोड़ेंगे तो फिर वो फायदा इम्प्लीमेंट होगा और वो मीनिंग उससे पैदा होंगे कि किताबुन हो जाएगा किताबु, मुहम्मदुन हो जाएगा मुहम्मदिन, और मकतबुन हो जाएगा मकतबु, अल मुदर्रिसु हो जाएगा अल मुदर्रिसी, और ऑलरेडी हमने इसको पढ़ दिया। एक्सरसाइज नंबर 3 है इकरा वक्तु मअगबती अवाखिर अल कलिमा, रीड एंड राइट अलॉन्ग विद द करेक्ट एंडिंग ऑफ द वर्ड्स, और ये हेडिंग जो है माशाल्लाह बार बार आ रही है, तो आप अब तक समझ चुके हो, पढ़िए और लिखिए कलिमात के आखिरी हर्फ की सही हरकत के साथ, क्यों, इसलिए कि अभी हमने कायदा पढ़ा है कि मुदाफ पे कभी तनवीन नहीं आएगी, लेकिन मुदाफ इलैह वो हमेशा जेर के साथ होता है,
अलिफ लाम होने की सूरत में एक जेर और अलिफ लाम ना हो तो दो जेर। बाबुल मदरसती स्कूल्स डोर। हिमारुर रजुली द मैंस डोंकी। बैतु हामिदिन हामिद हाउस हामिद का घर। सैयारतुल मुदीरी हेडमास्टर्स का। मिंदीर अम्मारिन अम्मार हैंडकरचीफ। इस्मु तालिबी द स्टूडेंट्स नेम तालिबी इल्म का नाम। बैतुल्लाही अल्लाह हाउस। अब ये जो आगे का जो आप पढ़ने जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। क्यों? इसलिए कि प्रीवियसली यानी पीछे हमने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन आ जाएगा तो वो हर्फ पे जो है वो जेर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाए फी किताबिल्लाही। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मुजाफ है तो किताबू हो गया, अल्लाही के जेर क्यों है? इसलिए कि वो मुजाफ इलेही है यानी मुजाफ सेकंड नाउन है जिसको हमने जोड़ा है, तो उस पर तो जेर आता है, ठीक है। लेकिन फी आ गया उस जुमले के शुरू में तो ऐसी सूरत में वो नाउन भी जो है जेर के साथ हो गया। तो मालूम हुआ कि मुजाफ जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वो उसकी मिसाल यहाँ हमने देखी है और बहुत बेहतरीन मिसाल। फी किताबिल्लाही इन द बुक ऑफ अल्लाह। मिन बैतिल मुदर्रिसी यहाँ पर भी मिन की वजह से बैती हो गया। मिन बैतिल मुदर्रिसी फ्रॉम द टीचर्स हाउस। अला मक्तबिल मुदीरी ऑन द हेडमास्टर्स टेबल। जी ये चौथे एक्सरसाइज में हम लोग जो है कुछ सेंटेंसेस हैं जो इसी रूल को मुदाफ मुदाफिले के रूल को और प्रीपोजिशन के रूल को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक। इकरा पढ़िए, लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं उनके लिए वह तर्जिम। इकरा वक्तु व तर्जिम रीड राइट एंड ट्रांसलेट। आई न बैतुल मुदर्रिसी वेर इज द टीचर्स हाउस हुआ बईदुन इट इज फार। उस्ताद का घर कहाँ है? वो दूर है। अल कुरान किताबुल्लाह द कुरान इज बुक ऑफ अल्लाह। पेज नंबर 29 कंप्लीट हो गया, 28 मुकम्मल होगा, 29 हम लोग पढ़ा। अल काबतु बैतुल्लाह द काबा इज अल्लाह हाउस। मोहम्मद अब उसके बाद जो लिखा हुआ है ना इतना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ब्लेसिंग है, ये दुआइयां हैं एहतराम के लिए हम लोग। सलामती और सलाम दुरूद नाजिल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सेंटेंस क्या है पूरा असल में? मुहम्मदुन रसूलुल्लाही मुहम्मद इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह। खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी द टीचर लेफ्ट फ्रॉम द हेडमास्टर्स रूम। हाजा बैतु हामिदिन जरा गौर से देखिए आप, हाजा बैतु हामिदिन दिस इज हामिद्स हाउस, हामिद का घर है। वजारी का भाई तो खालिदिन एंड दैट इज खालिद हाउस। और सातवें में हम लोग पढ़ रहे इब्नु अम्मारिन तालिबुन। इब्नु अम्मारिन अम्मार का बेटा, अम्मार सन। तो अम्मार सन इज स्टूडेंट। वबनु यासिरिन ताजिरुन एंड यासिर सन इज मर्चेंट। बैतुल मुदर्रिसी बईदुन द टीचर्स हाउस इज फार। व बैतु ताजिरी करीबुन एंड मर्चेंट हाउस इज नियर। उस्ताद का घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। हाजा मिफ्ताहु सय्यारती दिस इज कार्स की। अयना मिफ्ताहुल बैती वेर इज द हाउस की। ये कार की कुंजी है, कहाँ है घर की कुंजी? मन अंत या वलदु हु आर यू ओ बॉय। अब यहाँ पर क्या बोले? ऐ लड़के तुम कौन हो? तो वलद जो है बॉय होता है। अनबनु अब्बासिन आई एम अब्बास सन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। वबनु मन हुआ वो किसका बेटा है? यहाँ पर बेटा है वबनु एंड हूज सन इज ही, वो किसका बेटा हुआ? वबनु खालिदिन वो खालिद का बेटा है। आगे का जो बारहवां सेंटेंस है उसमें थोड़ी सी तवज्जो दरकार, गौर से देखिएगा बात समझ में आ जाएगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल, ठीक है, रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको कनेक्ट कर रहे हैं मस्जिदों से, ठीक। तो हमने कहा मस्जिदु रसूलिल्लाही, क्यों? इसलिए कि मस्जिदु रसूलिन है कि रसूल की मस्जिद, और ऑलरेडी रसूल चूंकि इससे कनेक्ट है तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद, तो ये इसको कहते हैं इजाफ दर इजाफत।
कि मस्जिदु रसूलिन था, लेकिन आगे फिर हमको कनेक्ट करना है तो रसूलिल्लाही, तो वेर इज अल्लाह मैसेंजर्स मस्जिद, अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है, ठीक है। और ये तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लेसिंग है, सलात दुरूद और सलाम नाजिल हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुवा फिल मदीनतिल मुनव्वरा, इट इज इन मदीना मुनव्वरा। 13th सेंटेंस है, बिंतु हामिदिन फिल मदरसती व बिंतु मुहम्मदिन फिल जामियाती, हामिद डॉटर इज इन स्कूल एंड मोहम्मद डॉटर इज इन यूनिवर्सिटी। इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, टीचर्स नेम इज सईद एंड इंजीनियर्स नेम इज खालिद। अम्मु तालिबी गनीयुन, अम्मु इज अंकल, द अंकल द स्टूडेंट्स अंकल इज रिच, गनीयुन रिच। बाबुल मस्जिद, और यहाँ पर आप तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो अम्मु तालिबी गनीयुन तालिब इल्म के ताया, चूंकि मैं प्राइमरी यूज कर रहा हूँ तो सेकेंडरी आप यूज करेंगे चाचा भी होगा, और सेकेंडरी यूज करेंगे तो वो अम्मुन जो है फूफा भी होगा, तो प्राइमरी यूज करिए, प्राइमरी क्या है ताया है। अम्मु तालिबी गनीयुन तालिब इल्म के ताया गनी है। बाबुल मस्जिद मफ्तूहुन व बाबुल मदरसती मुगलकुन, द डोर ऑफ मस्जिद इज ओपन एंड स्कूल्स डोर इज क्लोज। खालु हामिदिन फकीरुन, हामिद अंकल इज पुअर, पुअर। हमारे पास फकीर का माने क्या है, हमारे पास समझते हैं फकीर मतलब भिखारी, नहीं, अरबी में फकीर होता है नीडी, जरूरतमंद, और जबकि सारे इंसान अल्लाह के जरूरतमंद हैं, तो वो जो रोड़ों पर मांगते हैं उसको साइल बोलते हैं, मांगने वाला बिगर है, ठीक है। ये फकीर जो है ये जरूरतमंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सारे के सारे अल्लाह के मोहताज हो, जरूरतमंद हो, ठीक है। सय्यारतु अब्बासिन फिशारिई, द अब्बास कार इज ऑन द स्ट्रीट। यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो आप लोग दीजिए, बात समझ में आई, तो यहाँ पे आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। अंग्रेजी में हम करेंगे कि अब्बास कार इज इन द स्ट्रीट, इज इन द स्ट्रीट गलत हो जाएगा, इज ऑन द स्ट्रीट होता है, ठीक है। उर्दू में आप तर्जुमा करेंगे अब्बास की कार रोड में है, तो रोड में जो है गलत हो जाएगा कि रोड में अंदर घुस गई है, लेकिन अरबी में बोलते हैं चीजों के लिए फी बोलते हैं, ठीक है, और वक्त के लिए अला बोलते हैं ऑन, फी वक्त, वक्त के लिए भी फी बोलते हैं, तो वक्त के लिए और चीजों के लिए, चूंकि जो है स्ट्रीट है तो इसलिए इसको फी इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम उर्दू में और अंग्रेजी में तर्जुमा करते हुए बोलेंगे अब्बास कार इज ऑन द स्ट्रीट, अब्बास की कार रोड पर है, ठीक है। तो ये अपनी दूसरी जबान का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और 19वां सेंटेंस है, इब्नु मन अंता, किसके बेटे हो तुम, अनबनु मुदर्रिसी, मैं मुदर्रिस का बेटा। ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है, वह तहत सय्यारती, वो कार के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह चार एक्सरसाइज मुकम्मल हो गए, और आगे पांचवें एक्सरसाइज में हम मुजाफ और मुदाफिले दो चीजें पढ़े, कि जुमले के दो पार्ट हैं, ये पहले वाले पे जो है अलिफ लाम नहीं आ सकता, दो पेश तनवीन नहीं आ सकती, और दूसरे वाले पे हमेशा जेर होगा, तो इसको यहाँ उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कराई, ठीक है। कविन, जरा हेडिंग देख लें आप तवज्जो से, कविन जुमलन मुफीदतन बिमल इल फरागी फीमा यल, कविन मेक जुमलन सेंटेंसेस मुफीदतन यूजफुल बिमल इल फरागी विद द फिलिंग द ब्लैंक्स फीमा यली व्हाट फॉलो, आने वाले जुमलों में खाली जगहों पर भरते हुए मुकम्मल जुमला बनाइए। जैसे फर्स्ट वन सेंटेंस में देख रहे हैं हम लोग कि बैती है, तो मालूम हुआ कि फर्स्ट नाउन जो है या मिसिंग है वो है बाबुल बैती, घर का दरवाजा, बाबुल बैती मुगलकुन, घर का दरवाजा बंद है। आईना असयारती, तो अब यहाँ पर सयारती से पहले फर्स्ट नाउन मिसिंग है। आईना मिफ्ताहुस सयारती, वेर इज द कार्स की, कार की कुंजी कहाँ है। मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, मोहम्मद इज अल्लाह मैसेंजर। बैतु तबीबी बईदुन, डॉक्टर्स हाउस इज फार। अल कुरान, सेकंड नाउन मिसिंग है। किताबुल्लाही, खदीजतु
उसके बाद जो है मिसिंग है तो हम लोग बोले खदीजतु बिन्तु हामिदिन, खदीजा इज हामिज डॉटर, है ना, इब्नुल मुदर्रिसी, आई एम टीचर्स सन, मैं उस्ताद का बेटा हूँ। अत्तालिबी मकसूरुन, तालिब इल्म का टूटा हुआ है, क्या टूटा हुआ, कलमुत तालिबी मकसूरुन। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, मस्जिद का दरवाजा खुला है। खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी, द टीचर लेफ्ट फ्रॉम द हेडमास्टर्स रूम। ठीक, सिक्स एक्सरसाइज में यहाँ पर कुछ गलतियां हैं, सेंटेंस का जो ऑर्डर है वो सही है लेकिन इसके अंदर गलती है कि मुदाफ और मुदाफ की इलाह के एतबार से, वो हमको सही करना। सही तरकीबाती तालियता, आने वाले स्ट्रक्चर को जो है आप सही करिए कि स्ट्रक्चर के अंदर जबर देर पेश का वो, तो आप फर्स्ट वन में आप देखिए कि यहाँ पर हो गया अल कलमु अत तालिबी, तो अल कलमु अत तालिबी के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रॉन्ग क्या है, ये अलिफ लाम नहीं आएगा, ठीक है, कलमु तालिबी स्टूडेंट्स पे। बाबू सैयारतु, ये सैयारतु पे पेज गलत है। बिन्तु हामिदुन, हामिदुन पे दो पेज गलत है, बिन्तु हामिदिन। अर रसूलुल्लाही, तो फर्स्ट वन पे अलिफ लाम नहीं आता, ये रसूलुल्लाही। इस्मुल वलदा, तो वलदा पे जबर गलत है, ये आ जाएगा इस्मुल वलदी। इब्नुन अल मुदर्रिसी, यहाँ पर तनवीन गलत है तो इसीलिए हो जाए इब्नुल मुदर्रिसी, ये तनवीन गलत है। ओके, सेवंथ एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब किसी चीज को हम एड्रेस करते हैं, और अरबी में एड्रेस करने के लिए क्या होता है, अरबी में एड्रेस करने के लिए या यूज करते हैं, जैसे हम या अल्लाह हम कहते हैं, तो एक रूल यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी को एड्रेस करेंगे तो वो नाउन जो है दो पेज के बजाय एक पेज से होगा, मुहम्मदुन हो जाएगा या मुहम्मदु, उस्तादुन या उस्तादु, खालिदुन या खालिदु, वलदुन या वलदु। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन याद रखेंगे तो आप कुरान मजीद आप पढ़ेंगे, अहादीस पढ़ेंगे और अरबी जबान आप सीख रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। तो हमारे यहाँ जो बोलचाल की जबान वाले, क्या कर रहा तू, क्या क्या कहा जा रहा तू, ये तो रफ लैंग्वेज है, तो ये इसका कोई एतबार नहीं होता है। तो जबान वो है जिसको कुरान और हदीस ने इस्तेमाल किया, और अभी हमारे यहाँ भी हम बोलते हैं कि साहब पढ़े लिखों के साथ नहीं रहते क्या, आदमी के पास पैसे आ जाना ही कमाल की बात नहीं, ये तो बात जबान भी बोलना आना चाहिए। और फिर हमारे और आपके लिए फख्र की बात ये है और शुक्र की बात ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमको कुरान की जबान सिखा रहा है कि जिस जो जबान हमारी दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी बहुत अच्छे से काम आएगी। ठीक है, उसके बाद हेडिंग है इकरा मक्तूब मा ज़बती अवाखिर कलिमात, रीड एंड राइट अलॉन्ग विद द करेक्ट एंडिंग्स ऑफ द वर्ड्स। चूंकि ऊपर एक कायदा आपने पढ़ा है कि या जो एड्रेसिंग के लिए आता है उसके बाद एक पेश होगा, या अलीयु, या अब्बासु, शेखुन, या शेखु, या रजुलु, या सिरुन, या अम्मारु, दुक्तूरुन। और पीछे हमने जो है एक लफ्ज पढ़ा है तबीबुन माने डॉक्टर, और दुक्तून माने भी डॉक्टर। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि तबीबुन जो होता है वो प्रोफेशनल होता है कि जिसने डॉक्टरी की है, जिसने मेडिकल पढ़ा है, लेकिन दुक्तूर ये जो है डॉक्टरेट होता है, जो पीएचडी होल्डर होता है वो दुक्तूर होता है। ठीक है, या दुक्तूर। एक्सरसाइज नंबर 8 है इकराइल मिसाल अल आती थुम कव्विन अस्किलतन मिसलहु मुशीरन इला सुवर इतालिया, रीड द फॉलोइंग एग्जांपल देन मेक क्वेश्चंस लाइक दैट इंडिकेटिंग टू द फॉलोइंग पिक्चर्स। आने वाली मिसाल को पढ़िए फिर सवालात बनाइए उसी तरह इशारा करते हुए आने वाली तस्वीरों की तरफ। तो असल में कहना क्या है, कहना ये है कि चूंकि मन हमने पढ़ लिया है कि जिसके माने कौन है, लेकिन हमको यहाँ बोलना है किसका, हुज, तो ये जो हो जाएगा नाउन के बाद आए किताब मन हादा, हुज बुक इज दिस, कलम मन हादा, हुज पेन इज दिस, ये किसकी किताब है, ये किसका कलम है, कमीस मन हादा, हुज शर्ट इज दिस, बैत मन हादा, ये किसका घर है, शरीर मन हादा, ये किसका पलंग है। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 9 में हम एक बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज क्या है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि दो नाउन हैं और जिसके माने ऑलरेडी हमको मालूम है, इस्मुन माने नेम, इब्नुन माने बेटा, इस्मुन नेम और इब्नुन सन। याद रखिए
कि यहाँ पर दोनों की स्टार्टिंग जो है हमजा से है, तो ये स्टार्टिंग जो हमजा है तो ये स्टार्टिंग में आएगा जुमले के, तो हम हमजा को पढ़ेंगे, लेकिन बिटवीन द सेंटेंस आ रहा है तो उसको हमजा को स्किप कर दें, इसको हम कहते हैं हमजतुल वसल। आप देखें इस्मुल वलदी मोहम्मद, द बॉयज नेम इज मोहम्मद, वस्मुल व इस्मुल बोले तो गलत हो जाए, क्यों? इसलिए कि अभी हमने पढ़ा है कि दरमियान में अगर आ जाए वो वर्ड तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास मौजूद है कि कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं हम तो कहें बिस्मिल्लाही, तो वो असल में एक्चुअल क्या है, बिस्मिल्लाही, लेकिन चूंकि बा के बाद आ रहा है, बिटवीन द सेंटेंस आ रहा है, तो वो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, अलीफ को छोड़ देंगे। ठीक है, द बॉयज नेम इज मोहम्मद एंड डॉटर्स नेम इज ज़ैनब, लड़के का नाम मोहम्मद है और लड़की का नाम ज़ैनब है। इस्मुल मुदर्रिस हामिद, द टीचर्स नेम इज हामिद, मस्मुल मुदीरी, व्हाट इज द हेडमास्टर्स नेम। अब यहाँ आप पढ़ दिए मा इस्मुल मुदीरी गलत हो जाए, क्यों? इसलिए कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि दरमियान में आ जाए तो हमजा को हम स्किप कर देते, मस्मुल मुदीरी व्हाट इज द हेडमास्टर्स नेम। और दूसरी मिसाल है इब्नुन की, इब्नु खालिदिन फिल मदरसती, द खालिद खालिद सन इज इन द स्कूल, वबनु हामिदिन फिल जामियाती एंड हामिद सन इज इन द यूनिवर्सिटी। इब्नुल मुदर्रिसी फिल फसली, द टीचर सन इज इन द क्लास, नबनुल मुदीरी वेर इज द हेडमास्टर सन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 31 मुकम्मल हो गया, और उसी से रिलेटेड यानी पीछे जो आठवां और बल्कि नवा एक्सरसाइज हमने किया है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर वो कुछ नाउन है कि जो दरमियान में इस्तेमाल किए गए हैं और जिसके हमजा को हम नहीं पढ़ते। इकरा मा यली मुराइयन कवाइद नुत्की हमदतिल वस्ली, रीड व्हाट फॉलोज इम्प्लीमेंटिंग, मुराइयन यानी इम्प्लीमेंटिंग कवाइद रूल्स नुत्की रीडिंग हमदतुल वस्ल, यानी वो हमजा जो अटैच किया गया है और पढ़ने के वक्त दरमियान में आ जाए तो उसको छोड़ देते हैं। पढ़िए आने वाले मिसालों को पासो लिहाज करते हुए हमजतुल वसल के कायदों की जी। ठीक है, तो पहली मिसाल है इब्नु मुहम्मदिन फिल इराकी, वबनु, अब यहाँ पे व इब्नु पढ़ना गलत हो जाएगा, वबनु हामिदिन फिल हिंदी, मोहम्मद सन इज इन इराक एंड हामिद सन इज इन इंडिया। खराजत खराजबनु तबीबी, अब यहाँ देखिए खराजा इब्नु तबीबी पढ़ना गलत हो जाएगा, क्यों? इसलिए कि इब्नु दरमियान में आया है। खराजबनु तबीबी मिनल बैती, डॉक्टर सन लेफ्ट फ्रॉम द हाउस, ज़हबबनु ताजिरी इला सूकी, द मर्चेंट सन वेंट टू द मार्केट। तो पांच चौथा जुमला है इस्मुल मुहंदिसी फैसलुन वस्मु तबीबी मसूदुन, द इंजीनियर्स नेम इज फैसल एंड डॉक्टर्स नेम इज मसूद। मस्मुर रजुली मा इस्मुर रजुली गलत हो जाएगा, मस्मुर रजुली व्हाट इज द मैन नेम, आदमी का नाम क्या है, इब्नु मन अंता, हूज सन आर यू, तुम किसके बेटे हो, अना इब्नुल वदीरी, मैं वजीर का मिनिस्टर का बेटा, अना इब्नुल वदीरी गलत हो जाएगा। कोई आपसे कहे कि मेरे को अरबी आती है और अना इब्नुल वदीरी पढ़ेंगे आप, तो आप कहेंगे कि आपको अरबी आती है लेकिन अच्छी अरबी नहीं आती, यानी सही अरबी नहीं आती है। जैसे इंग्लिश में आप वावल्स और सेमी वावल्स के लिए बोलते हैं और बहुत सारी बेसिक चीजें, ठीक। और ये पांचवें सबक के वोकैबुलरी हैं, अल कलिमातुल जदीदा द न्यू वर्ड्स, अर रसूलु रसूल मैसेंजर, अल काबतु द काबा, अल इस्मु नेम नाम, अल इब्नु बेटा सन, अल अम्मु ताया चाचा फूफा, अल खालु खालू और मामू, अल हकीबतु बैग, अल सैयारतु कार, अल शारियु स्ट्रीट रोड, मुगलकुन क्लोज्ड बंद, तहता नीचे बिलो हुना का देव। ये जो टेबल आप देख रहे हैं एक छोटा सा टेबल है और इतना बड़ा सबक हमने पढ़ा है, तो यही कमाल है कि कमाल ये है कि आप ये जो चीजें पढ़ रहे हैं उसके जरिए से एक तो होता है कि एक रूल आपको मालूम हो जाए लेकिन उसको आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें, तो ये सिलेबस की खूबी ये है कि इसके अंदर जो है आपको प्रैक्टिकल आप पढ़ेंगे, यानी एक एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सेंटेंसेज आ रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस हो रही है, और अगर आप इसको लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज आपके पास बाकी रहेगी और जिंदगी भर हम इससे फायदा उठाएं।
इसको इन्होंने जो है दो जुमलों के अंदर, ये जो है दो लाइन के अंदर समझा दिया, सैयारतुन पहला वर्ड है और अल मुदर्रिसी, तो इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो पहले वाले पे पेश है और दूसरे वाले पे देर है, सैयारतुल मुदर्रिसी द टीचर्स का, और पहले वाले को कहते हैं मुदाफुन अटैच्ड और मुदाफुन इले अटैच्ड टू, यानी जिसके साथ, यहाँ पे मुदाफुन आप बोलेंगे पोजेस्ड और आप बोले मुदाफुन इले पोजेस विद पोजेस टू, कि एक जोड़ा जोड़ा गया और जिसके साथ जोड़ा गया, तो मुदाफुन इले ऑलवेज जेर के साथ होता है और मुदाफ पे कभी भी अलिफ लाम नहीं आ सकता है, मुदाफ पे कभी भी तनवीन नहीं आ सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मौला ताला के फजल करम से आज हमारा पांचवा सबक भी मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने सिखाने वाला बनाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें पढ़ने पढ़ाने वाला बनाए और हमारे पढ़ने को अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।